नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय 13 का, जिसका नाम है तारे और सूरज का परिवार। इसे ऊपर के सभी अध्यायों को मैं इस तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ा चुका हूं और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी मैं हल करा चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के 8th क्लास के विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अध्याय 13 तारे और सूरज का परिवार पर। देखिए, यही है अध्याय 13 तारे और सूरज का परिवार। तारे को तो आप जानते ही होंगे, रात में आसमान में दिखता है, और सूरज जो दिन में आसमान में दिखता है। ठीक है, तो रात या दिन में आसमान में जो भी पिंड दिखाई पड़ते हैं हम लोगों को, उन्हीं सब पिंडों के बारे में हम इस अध्याय में आज हम समझेंगे। तो देखते हैं आज इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में सबसे पहले आज हम लोग निकोलस कोपरनिकस के बारे में पढ़ेंगे और गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों महान खगोलविद थे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, वह किस प्रकार अपने अक्ष पर घूमती है और सूरज का परिक्रमा करती है। इसके बाद हम खगोलीय पिंड का परिभाषा को समझेंगे। फिर इसके बाद हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, जिसमें हम जानेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या कैसे बनता है, कैसे होता है। फिर इसके बाद हम तारों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे तारों से मिलकर जो तारामंडल बनते हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। फिर इसके बाद हम अपने आकाशगंगा मिल्की वे के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपने सौरमंडल को समझेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि सूर्य किस प्रकार सभी ग्रह जो है वह सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, और सभी ग्रह के बारे में हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। फिर इसके बाद हम सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में समझेंगे, जिसमें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं तथा उल्कापिंड के बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद मानव जो अपना से उपग्रह बनाकर जो आसमान में भेजता है, जिसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में आपके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो कृपया आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। कि आपका अध्याय शुरू हो रहा है दिन रात का होना, आपके पृथ्वी पर जो दिन रात होता है, तरित का कोंधना यानी बिजली जो चमकती है बारिश के समय, आसमान में जो ठनका ठनकता है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा की कलाएँ यानी रात में आप जब चाँद को देखते हुए देखते होंगे कि कभी पूरा गोल दिखाई पड़ता है, कभी चाँद दिखता ही नहीं है, कभी आधा कटा हुआ चाँद दिखाई पड़ता है इत्यादि। तो यह सब जो प्राकृतिक परिघटना है, इन सबको जानने का प्रयास मनुष्य बहुत पहले से कर रहा है। ठीक है, और जान भी चुका है। आपके भी मन में ऐसा सवाल उठता होगा, ये सब क्यों होता है। ठीक है, पहले यह मान्यता थी कि पृथ्वी चपटी है, मतलब हम आप अभी जो जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पहले ऐसा बात नहीं था। पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी जो है वह चादर के जैसा चपटा है ना, क्योंकि आप देखिएगा पृथ्वी जहाँ देखिएगा वहाँ गोल तो दिखाई पड़ता ही नहीं, चपटा दिखाई पड़ता है एकदम। तो पहले के लोगों को यही लगता था कि पृथ्वी जो है वह चपटी है, चादर के जैसी है। लेकिन धीरे धीरे फिर अध्ययन करने के बाद लोगों को समझ में आया कि नहीं, पृथ्वी जो है हमारी वो चपटी नहीं, बल्कि कैसी है, गोल है एकदम। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह पहले के लोगों को यह भी लगता था कि पृथ्वी जो है वह ब्रह्मांड के केंद्र पर है ना, यानी पृथ्वी ही सबसे बड़ी है, और जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, वे सभी क्या करते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। वो तो बाद में ये पोलैंड के एक पादरी थे, है ना, पोलैंड के एक पादरी थे, वे खगोलविद भी थे। ठीक है, इनका नाम था निकोलस कोपरनिकस, है ना। इन्होंने ही अपने अध्ययन से पता किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र कौन है, सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वे सभी क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया। ठीक है, और पृथ्वी एवं अन्य ग्रह जितने भी है वह सब क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यही उन्होंने बताया, कौन, कोपरनिकस ने। अब देखिए, चूंकि पहले के लोगों को लगता था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है ना, और बाकी जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, तारे, चंद्रमा है, ये सब क्या करते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, और यही बात उस समय के धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया था। ठीक है, तो निकोलस कोपरनिकस ने जब यह बात बताया कि नहीं, वह जो धर्म ग्रंथ में जो बात लिखा हुआ है वह गलत है ना, पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, तो जितने भी धर्म गुरु थे उनको बुरा लगा बहुत, है ना, कि ये धर्म विरुद्ध बात बोल रहा है ना। और ऐसा कहने के लिए कोपरनिकस को उन लोगों ने सजा दे दिया था, और इनका मृत्यु जेल में ही हो गया था, कोपरनिकस का। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, ये 1609 में गैलीली नामक एक खगोलविद था, है ना, इनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो ये इटली के खगोलविद थे। ठीक है, कहाँ के थे, इटली के। तो इन्होंने क्या किया, देखिए कोपरनिकस ने तो अध्ययन करके बताया था, लेकिन गैलीलियो ने क्या किया, एक दूरबीन का विकास किया। ठीक है, दूरबीन जो देखने वाला होता है, दूरबीन विकसित किया, और उसकी सहायता से वह पता लगाया कि नहीं, सच में कोपरनिकस जो कह रहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है वह सही बात है।
इस इटली के खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने भी कंफर्म कर दिया दूरबीन की सहायता से कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है वह क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र है ना। वही बात कोपरनिकस ने भी कहा था, इसको जेल दे दिया गया था। तो जब गैलीलियो ने यह बात कहा है ना, तो फिर धर्मगुरुओं को अच्छा नहीं लगा, उनको बहुत ख़राब लगा कि ऐसा क्यों बोल दिया, और गैलीलियो गैलीली को भी सज़ा दे दिया गया है ना। हालांकि ये कहानी में सुनते हैं गैलीलियो गैलीली ने माफ़ी भी मांगा था, लेकिन फिर भी इनको क्या किया, सज़ा दे दिया गया था, और इनका भी मौत जेल में ही हो गया था। तो इस तरह से यही दोनों महान खगोलविद निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली ने हमें बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है वह ब्रह्मांड का केंद्र है, वह और जितने भी ग्रह हैं वह सभी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा पृथ्वी का घूमना पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप जानिए कि अभी जो आप समझे हैं कि हमारा जो सौरमंडल है उसका मुखिया कौन है, सूर्य है ना। सूर्य जो है हमारे पूरे सौरमंडल का केंद्र है, और जितने भी ग्रह है वे सब क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर गोल 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 घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, उसको इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी ग्रह है वे क्या करते हैं, वे सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है ना। तो जिस तरह से बाकी सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, चक्कर काटते हैं, उसी तरह हमारा जो पृथ्वी है यह भी सूर्य का परिक्रमा करती है, चारों ओर घूमती रहती है। और कितने दिन में घूम जाती है यह भी आपको पता है ना। आपका जो एक साल होता है ना, वह एक साल में क्या करती है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी जो है वह पूरे सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है, पूरा एक साल। अच्छा, पृथ्वी जो पूरा सूर्य का चक्कर लगाती है, तो चक्कर लगाने के साथ साथ पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। ठीक है, पृथ्वी जो है वह क्या करती है, अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। यही पूछ रहा है कि पृथ्वी का घूमना पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, यानी उसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है, वह पश्चिम से पूर्व घूमती है या पूर्व से पश्चिम घूमती है। ठीक है, आपको यह तो बात पता होगा कि पृथ्वी जो है वह अक्ष पर जो घूमती है वह एक पूरा एक बार घूमने में एक दिन लगाती है। ठीक है, 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में वह पृथ्वी क्या करती है, एक बार पूरा गोल घूम जाती है। तो यह जो पृथ्वी है यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब आप कहेंगे कि सर हम तो ये सूर्य को देखते हैं पूर्व से निकलती है और पश्चिम की तरफ जाकर डूबती है, और आप कह रहे हैं कि ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो हाँ, सही बात है ना। असल बात है सूर्य पूर्व से नहीं निकलती है, हम ही लोग घूमते हैं, पृथ्वी जो है वही सूर्य के ओर घूमती है पश्चिम से पूर्व। तो हमको लगता है पूर्व से सूरज निकल रहा है और पश्चिम में जाके डूब जा रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम ही लोग, जो हमारा जो पृथ्वी है वही पश्चिम से पूर्व घूमती है। अब जैसे आप बस में बैठे हुइएगा या ट्रेन में, तो आप देख, अब जब बस स्पीड में रहती है तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप खिड़की से जब देखते हुइएगा तो लगेगा कि आपको ये खिड़की के बाहर की जो चीज़ें हैं, सड़क जंगल जो भी रहता है, वह सब आपको लगेगा कि पीछे भाग रहा है, आप वहीं बैठे हुए आराम से, लेकिन खिड़की के बाहर जो चीज़ है वह क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, खिड़की के बाहर जो चीज़ है वह जहाँ का तहाँ है, आप आगे जा रहे हैं, है ना। तो वैसा ही यहाँ भी होता है ना। असल बात है सूर्य जो है वह जहाँ का तहाँ है, आप क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वह पूर्व से निकल रही है और पश्चिम की तरफ जाके डूब जा रही है। ठीक है, तो आशा है आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा, पृथ्वी का घूमना है ना, पृथ्वी कहाँ से कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक, देखिए आपका अगला टॉपिक है खगोलीय पिंड। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, खगोलीय पिंड, इसको समझने के लिए देखिए आपका जो मेन टॉपिक है वह क्या पूछ रहा है कि आकाश में क्या है। ठीक है, जब आप आसमान में देखते हैं दिन में या रात में, तो आपको क्या क्या दिखता है। ठीक है, तो जब आप आसमान में देखिएगा तो आपको तारा दिखेगा, आपको ग्रह दिखेगा, आपको चंद्रमा दिखेगा, सूर्य दिखेगा, उल्का पिंड दिखेगा, इत्यादि बहुत सारा चीज़ दिखता है आपको ये आसमान में। ठीक है, तो आसमान में यही सब चीज़ जो दिखता है इसी को क्या कहते हैं, हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा, ग्रह, तारे तथा अन्य सभी पिंड क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो खगोलीय पिंड आप समझ गए। अब खगोलीय पिंड में जो सबसे पहला पिंड है वह है चंद्रमा। इस चंद्रमा के बारे में हम समझते हैं अभी। चंद्रमा के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। चंद्रमा तो हम आसमान में देखते ही हैं, आप रात में देखते हुइएगा चंद्रमा को, जरूर देखे हुइएगा चांद को। ठीक, क्या आप चंद्रमा को प्रत्येक रात्रि में देख पाते हैं, क्या आप रोज रात में चंद्रमा को देख पाते हैं, तो नहीं है ना। किसी किसी रात को चंद्रमा दिखता है और किसी रात को चंद्रमा दिखता ही नहीं है। क्या इसकी आकृति में परिवर्तन पाते हैं, मतलब क्या चंद्रमा जो है हमेशा एक जैसा रहता है, तो नहीं,
चंद्रमा कभी पूरा गोल होता है, कभी ऐसा कटा हुआ होता है, कभी आधा होता है ना, कभी होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी को हम अभी अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, अभी अभी आप समझे हैं कि हमारा जो सूर्य है वह क्या है, सौरमंडल का मुखिया है, और जितने भी ग्रह हैं वे सभी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह सभी ग्रह घूमते हैं वैसे ही हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, और हमारा पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है। कितने दिन में, 365 दिन में क्या करता है, एक साल में पूरा एक चक्कर घूम लेता है। अच्छा, इसके साथ आप यह भी समझे कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर तो घूमता ही है, साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी गोल 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 घूमते रहता है। तो इतना तो आप समझ गए हैं। अच्छा, यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा क्या करती है, यह पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है, वैसे ही चंद्रमा जो है यह भी पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, और जिस तरह पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में पूरा एक साल लगता है, वैसे ही चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगभग 28 दिन का समय लगता है। ठीक है, लगभग 28 दिन का समय लगता है। देखिए, अगले पेज पे जो चित्र है उससे आप समझिए, यह आपका क्या है, सूर्य है। ठीक है, यह जो गोल लाल कलर वाला जो है यह सूर्य है। ठीक है, और यह जो पृथ्वी है यह सूर्य के चारों ओर, देखिए यही पथ है, इसी पथ पर घूम रही है। ठीक, अच्छा, यह जो पृथ्वी जो घूम रही है सूर्य का परिक्रमा कर रही है, तो साथ साथ पृथ्वी का परिक्रमा भी यह चांद जो है, यह गोला वाला, ये उजला वाला जो चांद है, यह चांद भी क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। ठीक है, पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर घूमती ही रहती है, यह चांद भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। और यह पूरा घूमने में लगभग कितना समय लगाता है, लगभग 28 दिन का समय लगाता है। मतलब लगभग 28 दिन में यह चांद पूरे गोल घूम के यहाँ से फिर वापस यहाँ तक पर आ जाता है। ठीक, अब देखिए, हम ऊपर वाले चित्र को अच्छे से देखते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो चांद है वह कभी गोला कभी आधा क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक, देखिए यह सूर्य है। ठीक है, यह क्या है, सूर्य, सन। ठीक है, यह सूर्य है, यह क्या कर रहा है, यह प्रकाश, इधर देखिए यहाँ पे तीर का निशान, यह क्या कर रहा है, इधर प्रकाश फेंक रहा है। ठीक, देखिए जब सूर्य इधर प्रकाश देता है तो यह आपका पृथ्वी है। ठीक, और यह जो चांद है, यह चांद गोल गोल पृथ्वी के घूमते रहता है। ठीक, अब देखिए सूर्य जो है यह जब प्रकाश देगा तो पृथ्वी का एक तरफ, देखिए आधा भाग जो इधर है यह ब्लू है और आधा भाग इधर काला है। ठीक, तो जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उधर क्या होगा, दिन होगा। ठीक, और जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा उधर क्या हो जाता है, रात हो जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी भी घूमते रहता है तो धीरे धीरे हमारे यहाँ क्या होता है, दिन रात होते रहता है। तो दिन रात कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए यह जो चांद है, यह चांद भी क्या करता है, यह इस पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है। ठीक, और यह पूरा घूमने में कितना समय लगाता है, 28 दिन लगाता है। ठीक है, अब देखिए यह जो पृथ्वी है, आपको चांद रात में दिखाई पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आप इस पृथ्वी के इधर वाले काले वाले भाग में रहिएगा तब आपको चांद दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आप रात में यहाँ पर है। ठीक है, और आप जब यहाँ से चांद को देखिएगा तो इस चांद पर तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है ना, है ना। जब इस चांद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह पूरा पूरा गोल दिखाई पड़ता है, ऐसा चांद दिखाई पड़ता है। ठीक है, अच्छा यही चांद जब यहाँ आ जाता है तो जब आप यहाँ से इसको देखते हैं तो आपको यहाँ से ऐसा चांद दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा कटा हुआ। ठीक, अच्छा यही चांद जब यहाँ पर रहता है तो जब आप यहाँ से रात में देखते हैं तो आपको आधा दिखाई पड़ता है। ठीक, क्योंकि आप जब यहाँ से देखेंगे तो इस चांद पर आधा भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना, है ना। हालांकि सारा जितना भी चांद है, आप चांद चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहे, सब पर सूर्य का आधा भाग पर ही प्रकाश पड़ता है। ठीक है, जैसे आपके पृथ्वी पर आधा भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वैसे ही चांद पर भी आधा भाग पर ही प्रकाश पड़ता है। लेकिन आप जो देखते हैं तो वह देखने का जो आपका ये नज़रिया है वह कैसा है, यहाँ देखिए यहाँ चांद पूरा पूरा गोला है। ठीक, यहाँ रहेगा तो आधा थोड़ा सा कटा दिखाई पड़ेगा, यहाँ आधा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, वही आप यहाँ से इस चांद को देखिएगा, जब चांद यहाँ रहेगा तो एकदम ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, एकदम कटा हुआ थोड़ा सा। ठीक, अच्छा मान लीजिए चांद जब इधर है और आप इधर रात में हैं तो आपको चांद दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा चांद। फिर जैसे जैसे चांद ऐसे चांद यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा फिर आपको यहाँ से दिखेगा तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर चांद जब यहाँ आ जाएगा तो ऐसा आधा कटा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे करते करते फिर आपको यहाँ गोल दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, तो जब रात में आप पूरा गोल देखते हैं चंद्रमा, है ना, तो इसको हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। और जब रात में आप बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं देख पाते हैं, यानी चंद्रमा क्या होता है, इधर रहता है। ठीक है, तो इसको हम अमावस्या की रात कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का समय लगभग 14 दिन का होता है। ठीक है, लगभग हर 14वें दिन पर अमावस्या आता है, फिर उसके 14वें दिन पर पूर्णिमा आता है, फिर 14वें दिन पर अमावस्या, फिर 14वें दिन पर अमावस्या, यानी लगभग 28 दिन में चांद जो पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक है, तो उस 28 दिन में
यहाँ से यहाँ तक चांद को आने में 14 दिन लगता है, ठीक। फिर चांद को यहाँ से वापस फिर यहाँ आने में 14 दिन लगता है, यानी 28 दिन में यह चांद पृथ्वी का परिक्रमा कर लेता है। और इस 28 दिन में हमको चांद जो है हमेशा अलग अलग तरह का दिखाई पड़ता है। यहाँ से पूर्णिमा का परिभाषा और अमावस्या का परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? जिस रात चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं, ठीक है। पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा पूरी रात चमकता रहता है, ठीक है। अच्छा, अमावस्या में लिखेंगे कि जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देती वह रात क्या कहलाती है? अमावस्या की रात कहलाती है। हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चंद्रमा के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, इसी में एक आगे महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद कर लेना है, समझ लेना है कि चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग पहला आदमी था जो चंद्रमा पर पहुंचा था और चंद्रमा पर पैर रखा था, ठीक है। कब? 21 जुलाई 1969 को, ठीक है, वह चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसके बाद फिर एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे, ठीक है। यह सब एक ही साथ गए थे, पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे, फिर एडविन एल्ड्रिन उतरे। अब देखिए, अगला टॉपिक है तारे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टार्स, इसको तो आप जानते ही होंगेगा। अंधेरी रात में जब आकाश साफ हो, यानी जब रात होता है और आसमान साफ होता है, तो आपको आसमान में क्या दिखता है? आपको आसमान में तारा दिखता है। असल में तारे जो होते हैं, तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब जितने भी खगोलीय पिंड थे आप पढ़े हैं, उन खगोलीय पिंडों में तारा जो होता है उसका अपना प्रकाश होता है, ठीक है। बाकी आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं या फिर चंद्रमा है, ये सब का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। आप कहेंगे कि सर चांद रात में चमकता है ना, तो वह कैसे चमकता है? तो चांद जो है वह उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उस सूर्य के प्रकाश को चांद क्या करता है? हमारे पृथ्वी पर परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसलिए हमको चांद जो है वह चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, असल में चांद का अपना प्रकाश नहीं है, ठीक। आगे देखिए, इसी में है सूर्य भी एक तारा है, ठीक। आपका जो सूर्य है, जिस सूर्य को आप दिन में देखते हैं, वह सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। अब यहाँ प्रश्न है कि अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य बड़ा क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो सूर्य बड़ा इसलिए दिखाई पड़ता है कि सूर्य जो है वह सबसे नज़दीक है हमारे, है ना। सूर्य जो है वह हमारे सबसे नज़दीक है, इसीलिए वह हमको बड़ा दिखाई पड़ता है। बाकी जो तारे हैं वह सूर्य से काफ़ी दूर है, और सूर्य से ही बहुत बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन वह इतने दूर है कि वो हमें दिखाई ही नहीं पड़ते, या फिर बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, अगला सवाल यह है कि दिन के उजाले में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं, है ना। जब इतना सारा तारा है, सूर्य भी एक तारा है, और रात में तारा देखते हैं, तो दिन में हमको तारा क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तो देखिए, होता क्या है, दिन में सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा रहता है ना, कि बाकी जो दूर के तारे हैं उन सब का प्रकाश छुप जाता है, ख़त्म हो जाता है। तारा रहता है लेकिन हमको प्रकाश ज़्यादा रहता है, जिस कारण हमको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन वही रात में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर जब नहीं पड़ता है, तो हमको रात में सूर्य के अलावा बाकी जो जितने तारे हैं जो दूर दूर हैं, वे सब हमको क्या करते हैं? दिखाई, आंखों से दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सूर्य की तुलना में अन्य तारे जो है वह हमसे लाखों गुना अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए वह तारे बिंदु के जैसे दिखाई पड़ते हैं। आप रात में देखते हुए वह तारे जो है वह कैसा दिखाई पड़ता है? बिंदु के जैसा डॉट 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 आसमान में दिखाई पड़ता है, ठीक है। देखिए आगे है, सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक से देखिए। सूर्य जो है वह पृथ्वी से, आप जिस पृथ्वी पर रहते हैं वहाँ से सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर, सोच लीजिए कितना दूर है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी से जो सबसे ज़्यादा नज़दीक का तारा है यानी सूर्य, वह कितना दूरी पर है? 15 करोड़ किलोमीटर पर। सूर्य के बाद दूसरा जो सबसे निकटतम तारा है, जो सबसे नज़दीक तारा है, उसका नाम क्या है? अल्फा सेंचुरी, ठीक है। सूर्य के बाद दूसरा जो तारा है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी, ठीक है। यह अल्फा सेंचुरी हमारे पृथ्वी से कितना दूरी पर है? तो यह जो अल्फा सेंचुरी है, यह हमारे पृथ्वी से देखिए इतना किलोमीटर दूरी पर है। कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000,000, 10,00,000 करोड़, 10 करोड़, 10 अरब खरब, है ना, यानी 40 खरब किलोमीटर की दूरी पर है। तो इतना ज़्यादा जो दूरी है ना, 40 खरब, है ना, तो ये तो सूर्य के जस्ट बाद वाला तारा का दूरी है ना, अल्फा सेंचुरी का। अच्छा, इसके बाद ही बहुत सारा तारा है, तो वे सब तारा जो है वह सब इससे भी बहुत अधिक दूरी पर होगा, किलोमीटर दूरी पर। तो उन सबको आप कैसे नापिएगा, कैसे पढ़िएगा, है ना, उसको नापेंगे हम कैसे? तो इसके लिए क्या किया गया है, प्रकाश वर्ष एक मात्रा के रूप में लिया गया है, ठीक है। इसको लाइट ईयर कहते हैं, यह प्रकाश वर्ष है क्या, इसको समझ लीजिए आप। तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय किया गया दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी
प्रकाश जो है एक साल में जितना दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे हम, प्रकाशीय कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक, इसलिए अधिक दूरी के लिए प्रकाश वर्ष मात्रा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। ठीक, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आप किलोमीटर में देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.7 × 10^12 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है तारामंडल। ठीक है, क्या है तारामंडल, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, आप देखिए एक रात में आसमान जब साफ होता है तो बहुत सारा तारा आपको दिखाई पड़ेगा आसमान में। ठीक है, आपको छोटी छोटी बिंदुओं से नज़र आते हैं तारा। ठीक है, आसपास के कुछ एक तारों को एक साथ देखने पर आपको उनमें अलग अलग छवियां दिखेंगी। ठीक है, मतलब कुछ तारों को जब एक साथ आप मिला दीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ एक छवि बना हुआ है ना, किसी चीज़ का चित्र बना हुआ है, तो उसी को हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है, यानी तारों को एक साथ देखने पर आपको उनमें अलग अलग छवियाँ दिखेंगी, तारों के ये समूह क्या कहलाते हैं, तारामंडल कहलाते हैं। ठीक है, आप इसका परिभाषा में सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल, लेकिन थोड़ा विस्तार में लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं तारामंडल का परिभाषा। ठीक है, अब देखिए आसमान में बहुत सारा तारामंडल है, जैसे देखिए यहाँ देखिए सप्तऋषि है। यह सप्तऋषि कैसा है, तो जब आप आसमान में देखिएगा, ठीक है, तो इसी तरह का 7 तारा का समूह होगा। ठीक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी 7 तारा के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम क्या है, ग्रेट बियर। इस सप्तऋषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रेट बियर कहते हैं। ठीक है, यानी विशाल भालू, यह भालू के जैसा दिखता है। ठीक है, और इसका सप्तऋषि इसलिए भी कहा जाता है, यह 7 ऋषियों के नाम से यह बना हुआ है। ठीक है, इसमें 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं, गर्मियों की रात्रि में के प्रथम पहर में इसे हम देखते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सप्तऋषि। अगला है ओरायन। ठीक है, ओरियन, यह जो तारामंडल है यह ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको रात में, जब आसमान में देखिएगा तो यह ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक, इस तरह का यह होता है। ठीक है, देखिए यूनानी दंत कथाओं का एक मशहूर शिकारी है। ठीक है, इसको जब आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि यह कोई शिकारी है। ठीक है, शिकार करने निकला है। ठीक है, इसी के लिए नाम, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया है, ओरायन पड़ गया है। ठीक है, बीच के 3 चमकते तारे उसके बेल्ट है ना, बीच में जो है 3 तारा चमक रहा है, यह इस शिकारी का क्या है, बेल्ट है। ठीक है, इसी तरह का है। देखिए अगला है शर्मिष्ठा। ठीक है, यह जो शर्मिष्ठा तारामंडल है वह ऐसा ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसी तरह का है। और यूनानी कथाओं में इन तारों के समूह को एक खूबसूरत और ताकतवर रानी कैसियोपिया है ना, यह जो तारामंडल है, इसको तारों का जो समूह है, इसको आप देखिएगा तो ऐसा लगेगा जो कैसियोपिया जो है वह अपने सिंहासन पर बैठी दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्या आपको भी ऐसा दिखाई प्रतीत होता है, आप देखिएगा रात में तो देखे बताइएगा है ना, कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि कैसियोपिया जो है, कैसियोपिया अपने सिंहासन पर बैठी हुई है। अगला है सिंह तारामंडल। देखिए जो सिंह तारामंडल है वह ऐसा ही इस तरह का तारों का समूह है, इसको आप जब देखिएगा आसमान में तो ऐसा लगेगा जैसे कोई सिंह जो है ना, शेर बैठा हुआ है आराम से। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, सिंह तारामंडल पड़ गया है। देखिए अगला है ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं पोल स्टार। ठीक है, पोल स्टार, इसको ध्रुव तारा कहते हैं। देखिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आसमान साफ हो रात में, ठीक है, तो आप तारों को देखिएगा। ठीक, जो तारा सबसे ज़्यादा चमकता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा उसी को क्या कहते हैं, हम ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप खोजिएगा तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। आप सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, रात में आप आसमान में देखेंगे जो तारा सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा वही तारा का नाम क्या है, ध्रुव तारा, जिसको पोल स्टार कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको ध्रुव तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा जो है वह पृथ्वी की धुरी के ठीक ऊपर स्थित है, यानी जिस पृथ्वी का जो दो ध्रुव है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव के यह ठीक ऊपर स्थित है, कौन, ध्रुव तारा, अतः उत्तरी गोलार्ध में या पृथ्वी पर से ध्रुव तारा कहीं से भी देखने पर हमें स्थिर नज़र आता है। ठीक है, यह उत्तर भाग में दिखाई पड़ता है और हमारा जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उसके ठीक कहाँ है, ऊपर है। अब देखिए अगला टॉपिक है आकाशगंगा या मिल्की वे। ठीक है, तो अभी आप पढ़े हैं कि जिस तरह से बहुत सारे ग्रहों और सूर्य को मिला के हमारा क्या बनता है, हमारा सौरमंडल बनता है। ठीक है,
यानी यहाँ नीचे देखिए बहुत सारा ग्रह और सूर्य को मिला के हमारा क्या बन रहा है, सौरमंडल। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सौरमंडल को मिला के एक आकाशगंगा बनता है। ठीक है, बहुत सारे सौरमंडल को मिला के क्या बनता है, एक आकाशगंगा बनता है। और हमारा जो सौरमंडल है वह कहाँ है, वह आकाशगंगा में, यानी मिल्की वे में है। ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मिल्की वे बनकर हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ऐसा समझ गए होंगे आप। ठीक है, मतलब बहुत सारे सौरमंडल का मिला के क्या बनता है, मिल्की वे बनता है। ठीक है, जिस मिल्की वे में हम लोग रहते हैं यानी आकाशगंगा उसको कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे आकाशगंगा या मिल्की वे बनकर क्या बनता है, एक पूरा ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, वास्तव में यह लाखों तारों का एक समूह है, जिस प्रकार सूर्य आपका एक तारा है। ठीक है, और सूर्य के आप परिक्रमा आप लोग करते हैं, जितने भी ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इसी सूर्य के जैसे लाखों तारों का एक समूह है, जिसको क्या कहते हैं, हम मिल्की वे कहते हैं या आकाशगंगा कहते हैं। ऐसा आप समझ गए होंगे इसको। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, आकाशगंगा करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है सौरमंडल। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं, सोलर, SYSTEM, सोलर सिस्टम। देखिए, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं से मिलकर सौर परिवार बना है। ठीक है, सौर परिवार क्या है, या सौर परिवार या सौरमंडल, सूर्य तथा इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों, है ना, इन्हीं सब से मिलकर क्या बना है, सौर परिवार बना है। ठीक है, यही है आपका सौरमंडल। यहाँ बीच में सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, जितने भी सभी ग्रह है, वह सभी क्या करते हैं, चारों ओर घूमते घूमते रहते हैं हमेशा। ठीक है, हम देखिए, यह जो सूर्य है और बाकी सब जो ग्रह है, इन सभी के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल है। उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह जो ग्रह है, यह गोल 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 घूमते रहता है, यह कभी बाहर नहीं भागता है सूर्य से, है ना। सूर्य इसको अपने ओर खींचे हुए रखता है ना, और अपने चारों ओर इसको घुमाते रहता है। बस समझ में आ गया है इसमें, कि सूर्य तथा इन पिंडों के बीच यही गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस कारण सूर्य के पिंड, सूर्य क्या है, जितने भी पिंड है वह सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे है, पृथ्वी भी सौर परिवार का एक सदस्य है। आपका जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं, वह भी इस सौर परिवार का क्या है, एक हिस्सा है, जो इस सूर्य के चारों ओर घूमते रहती है। ठीक, अच्छा, इस पृथ्वी के अलावा अन्य बहुत सारे ग्रह हैं जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। वह कौन कौन सा ग्रह है, देखिए, पृथ्वी के सबसे पास वाला जो ग्रह है उसका नाम है बुध। ठीक है, उसके जस्ट बाद वाला जो ग्रह है उसका नाम है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। देखिए यहाँ चित्र में देखिए, यह बीच में सूर्य है, सबसे पहले क्या है, बुध है। ठीक है, इसके बाद क्या है, शुक्र है, यह चारों ओर घूमते रहता है। फिर उसके बाद हमारा पृथ्वी है, चारों ओर घूमते रहता है। फिर हमारे पृथ्वी के बाद मंगल है, जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है। फिर मंगल के बाद क्या है, कौन है, देखिए यहाँ बृहस्पति है। ठीक है, फिर बृहस्पति के बाद कौन है, देखिए यह शनि है। ठीक, फिर इस शनि के बाद कौन है, यूरेनस है। और फिर इस यूरेनस के बाद कौन है, नेपच्यून है। यह सारा ग्रह सूर्य, इस सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमते रहता है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, 8 ग्रह हैं। ठीक है, देखिए अगले पन्ने पे देखिएगा, तो ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। यानी पहले जो है हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह थे, उसमें प्लूटो भी शामिल था। ठीक, लेकिन 2006 में क्या किया गया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक, क्योंकि वह जो सूर्य का परिक्रमा है वह ठीक से नहीं कर रहा था, इसलिए उसको ग्रह का श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक, अब हमारे पास कितने ग्रह बच गए, कुल 8 ग्रह। ठीक है, अब जो हमारा पहला टॉपिक है वह है देखिए सूर्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं सन, आप जानते ही होंगे। इसको दिन में आप जब देखते होइएगा आसमान में, तो क्या दिखाई पड़ता है, सिर्फ सूर्य ही दिखाई पड़ता है। ठीक, सूर्य जो है वह सबसे निकटतम तारा है ना, सूर्य एक तारा है, आप जान चुके हैं। सूर्य जो है वह हमसे सबसे निकटतम तारा, यानी हमारे पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन है, सूर्य है। ठीक है, और यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है। ठीक है, देखिए सूर्य जो है उस पर हाइड्रोजन और हीलियम, जो यह गैस का यह बना हुआ है, ठीक है, और यह दोनों हमेशा जलते रहता है। ठीक है, इसी कारण सूर्य हमेशा जलता हुआ रहता है और वहाँ से प्रकाश और ऊष्मा आता रहता है। तो इस तरह से आपके पृथ्वी पर जो धूप आता है या आपके पृथ्वी पर जो गर्मी है वह किसके कारण है, वह सूर्य के कारण है। ठीक है, और अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े भी हैं कि पृथ्वी से सूर्य का दूरी कितना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है,
ठीक है, कितना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और यह आपको जान के आश्चर्य होगा कि सूर्य का जो सबसे ऊपरी परत है वहाँ का तापमान पता है वो कितना रहता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य का जो ऊपरी सतह है उसका यह तापमान है। ठीक, अब हम समझते हैं ग्रह के बारे में, ठीक है, कि यह ग्रह क्या है। तो इसको आप आसान भाषा में समझिए कि सूर्य का परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट्स, PLANETS। मतलब जो भी खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं गोल गोल, उसको क्या कहते हैं, ग्रह। यहाँ देखिए, जितने भी खगोलीय पिंड है, जितने भी ये पिंड है, ये सब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, इन्हीं सब पिंडों को क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, ये पृथ्वी, बृहस्पति, यह सब क्या है, ग्रह है। यहाँ देखिए, ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, तारों की भांति प्रतीत होता है, लेकिन ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसी को वह क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी परिवर्तित करता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि क्या आप तारों एवं ग्रहों में विभेद कर सकते हैं, तो एकदम कर सकते हैं। तारा और ग्रह में तो कोई तुलना ही नहीं है, है ना। ग्रह कहाँ इतना छोटा सा चीज़ और तारा इतना बड़ा सा चीज़। ठीक, और सबसे बड़ा बात है कि तारा जो है वह उसका अपना प्रकाश होता है, वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा जलते रहता है, और ग्रह जो है जैसे आपका पृथ्वी है ना, मंगल, ये सब का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक, तो आशा आप समझ गए होंगे कि ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य का परिक्रमा करते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर, उसको क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी ग्रहों को हम अच्छे से समझेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले इसी में एक और चीज़ को आप समझ लीजिए, परिक्रमण काल क्या है। ठीक है, मतलब ग्रह जो है वह पूरे सूर्य का एक चक्कर जो लगाता है उसको क्या कहते हैं, हम परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसको, इसका परिभाषा आप लिख लीजिए यहाँ से, कि ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को क्या कहते हैं, उसका परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, मतलब ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर गोल घूमने में, एक परिक्रमा पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। फिर इसी तरह आप अगले पन्ने में देखिएगा कि जिस तरह सूर्य की परिक्रमा ग्रह करता है, ठीक है, तो ग्रह जो है वह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। आप पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है, तो किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, घूर्णन काल कहते हैं। मतलब एक बार गोल, पूरा गोल घूम जाने में अपने अक्ष पर, उसको क्या कहते हैं, घूर्णन काल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि उपग्रह क्या है। तो ग्रह के बारे में तो आप जान चुके हैं कि ऐसा खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। लेकिन यह जो उपग्रह है यह ग्रह का परिक्रमा करता है। ठीक है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है उसी तरह यह जो उपग्रह है यह क्या करता है, यह ग्रह का परिक्रमा करता है। ठीक है, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। इसको इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा क्या हुआ, उपग्रह हुआ हमारा। ठीक है, चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। ठीक है, इसको आप समझते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे अच्छे से। ठीक, अच्छा, इस चंद्रमा के अलावा बहुत सारे मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। ठीक है, आप जो मोबाइल से बात करते हैं या फिर आप टीवी देखते हैं, तो यह सब मानव निर्मित उपग्रह के कारण ही ऐसा हो पाता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है सैटेलाइट, ये रॉकेट के द्वारा, और वह अंतरिक्ष में क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, तो उसको मानव निर्मित ग्रह उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो बहुत से मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, यानी इसको सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट, जो आदमी हाथ से बनाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घूमते रहता है। ठीक है, और यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घूमते रहता है, यह आदमी नहीं बनाया है, यह प्राकृतिक रूप से घूमते रहता है। ठीक है, यह प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन हम जो भेजते हैं वह कृत्रिम उपग्रह है। तो यहाँ आप समझ गए अच्छे से, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, ठीक, घूर्णन काल क्या है और परिक्रमण काल क्या है। अब हम एक प्रत्येक ग्रह को अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह क्या है, वह बुध। ठीक, इसको मरकरी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है, यहाँ आप देखें हैं कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते रहता है उसमें सबसे पहला जो ग्रह है, जो सूर्य के सबसे निकट है, वह कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। ठीक है,
तो आप यहाँ इसका महत्वपूर्ण तथ्य लिख सकते हैं कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट है, और यह सौर परिवार का सबसे लघुतम ग्रह भी है, है ना। मतलब हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह है, ठीक है, उस 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन है, यह बुध है। ठीक है, देखिए इस बुध के बारे में एक और चीज़ आप जान लीजिए कि यह जिस प्रकार हमारा पृथ्वी जो है सूर्य के परिक्रमा करने में 365 दिन यानी एक साल लगाती है, वैसे ही यह जो बुध है यह 88 दिन में क्या करती है, सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। यानी बुध का जो परिक्रमण काल है वह कितना है, 88 दिन। अब देखिए बुध के बाद आपका जो अगला ग्रह है वह है शुक्र। इस शुक्र को इंग्लिश में कहते हैं वेनस। ठीक है, यहाँ देखिए यह जो सूर्य है यह इसके सबसे निकट कौन है, बुध है। इस बुध के बाद जो है यह शुक्र है। ठीक है, और यह शुक्र है यह पृथ्वी से निकटतम है, सब पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है, शुक्र है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। तो आपका जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं, उसका निकटतम पड़ोसी ग्रह कौन है, शुक्र है। देखिए यह सबसे अधिक चमकीला है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इस शुक्र को क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, देखिए शुक्र जो है वह पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इस शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में भी यह जाना जाता है। अब एक और चीज़ इसके बारे में आप जान लीजिए कि जो शुक्र है, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है और इसका जो आकार है वह लगभग पृथ्वी से मिलता जुलता है, आपका जो पृथ्वी है उसे मिलता जुलता है, इसलिए इस शुक्र ग्रह को यानी वेनस को पृथ्वी का जुड़वा भवन भी कहा जाता है। यानी यह पृथ्वी का ट्विन प्लेनेट है। ठीक है, देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह मतलब आप समझ गए, जो ग्रह का परिक्रमा करे, जिस तरह चांद जो है वह पृथ्वी का एक उपग्रह है क्योंकि पृथ्वी का परिक्रमा करती है, तो उसी तरह शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी सूर्य का परिक्रमा करने वाला, ये शुक्र का परिक्रमा करने वाला कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, एक बात और इसके बारे में आप जान लीजिए कि यह शुक्र जो है वह उस ये पूरे सूर्य के एक परिक्रमा करने में यानी एक बार पूरे सूर्य के गोल घूमने में कितना समय लगाती है, लगभग 225 दिन का समय लगाती है। ठीक है, देखिए आपका अगला जो है वो ग्रह वह है पृथ्वी। जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं उसी के बारे में आपको पढ़ना है। पृथ्वी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़िए यहाँ पे, पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। यानी आपके सौर मंडल में जितने भी ग्रह है, 8 ग्रह है, उस 8 ग्रह में जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, वह सब कहाँ है, पृथ्वी पर ही है। बाकी और किसी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो अभी आप पढ़े हैं कि जितने भी ग्रह है वह सभी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी जो है वह भी सूर्य का परिक्रमा करता है, और पृथ्वी जो है वह सूर्य के पूरे चारों ओर एक गोल घूम जाने में कितना समय लगाता है, 365 दिन और 6 घंटा। ठीक है, 365 दिन 6 घंटा में यह जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूम जाती है। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर भी घूम जाती है। पूरी एक गोल घूम जाने में कितना समय लगाती है, 24 घंटा, यानी पूरा पूरा एक दिन। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है, देखिए हमारा जो पृथ्वी है उसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नीला ग्रह। उसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जब अंतरिक्ष में जाइएगा तो वहाँ से जब आप पृथ्वी को देखिएगा तो पृथ्वी जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के पृष्ठ पर जल का कारण प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है, और वह नीली हरी प्रतीत होती है। ठीक है, मतलब पृथ्वी जो है उसका लगभग 70% से ज़्यादा भाग क्या है, पानी ही पानी है, है ना। और वह पानी होने के कारण हमारा जो पृथ्वी है वह क्या होता है, कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इस पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। मतलब पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, और पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। यह चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घूमते रहती है, पूरे 28 दिन में एक बार पूरा गोल घूम जाती है। ठीक है, देखिए अगला ग्रह है, तीसरा नंबर, चौथा नंबर का ग्रह, इसको क्या कहते हैं, क्या नाम है, मंगल। इसको इंग्लिश में मार्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मार्स, मतलब मंगल। देखिए मंगल ग्रह जो है वह पृथ्वी के कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है। ठीक है, यह पृथ्वी के बाद का ग्रह है, और यह हल्का लाल प्रतीत होने के कारण इसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लेनेट। ठीक है,
मंगल के दो छोटे छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, इसका नाम है फोबोस और डीमोस। ठीक है, मंगल ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं, यानी ग्रह का जो परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहते हैं। मंगल के कई गो उपग्रह है? दो गो, पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। ठीक है, और यह जो मंगल है यह सूर्य का परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन का समय लेता है। ठीक है, कितने दिन का? 687 दिन का। ठीक है, अगर इस चित्र में देखेंगे तो सूर्य के बाद सबसे पहला है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद चौथे नंबर पर है आपका मंगल। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए अगला है बृहस्पति, और इसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। ठीक है, बृहस्पति यानी जुपिटर, यह ऐसा ही है। ठीक, यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर जो है बृहस्पति, यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यानी आपका यह जो सौर मंडल है इसमें पहला बुध है, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवें नंबर पर कौन है? बृहस्पति। यह इस जितने भी ग्रह है सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है यह बृहस्पति। ठीक है, और यहाँ देखिए एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1300 पृथ्वी, जितना बड़ा आपका पृथ्वी है उतना 1300 अगर पृथ्वी को मिलाइएगा तो भी वह जुपिटर से छोटा ही होगा। ठीक है, बृहस्पति से वह क्या होगा? छोटा ही होगा। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जो बृहस्पति है वह कितना विशाल है, कितना बड़ा है। ठीक है, अब देखिए हम बृहस्पति के बारे में हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। ठीक है, यह पृथ्वी से यह लगभग 318 गुना बड़ा है। ठीक है, अच्छा अगर हम परिक्रमा का बात करते हैं कि यह जो बृहस्पति है वह सूर्य का परिक्रमा करने में यानी पूरे गोल गोल सूर्य का एक बार घूमने में कितना समय लगाती है, तो यह लगभग 12 वर्ष का समय लगाती है। 12 वर्ष में यह जो बृहस्पति है वह सूर्य का एक चक्कर लगा पाती है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम उपग्रह का बात करेंगे यानी यह जो बृहस्पति ग्रह है इसके कितने उपग्रह हैं, यानी इस बृहस्पति ग्रह के चारों ओर गोल गोल घूमने वाले कितने उपग्रह हैं, तो कुल 16 उपग्रह है। ठीक है, इस बृहस्पति के पास कुल कितना उपग्रह है? 16 उपग्रह है। अब देखिए अगला है शनि, इसको कहते हैं सैटर्न, SATURN इंग्लिश में। ठीक है, यह जो शनि है यहाँ से देख सकते हैं कितने नंबर पर है। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति पढ़ लिए हैं, छठे नंबर पर है आपका यह शनि। ठीक है, यही है शनि। देखिए शनि ग्रह पीला रंग का प्रतीत होता है इसलिए इसको हम पीला ग्रह भी कहते हैं शनि को। ठीक है, इसके रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। देखिए जो शनि है इसके चारों ओर एक रिंग जैसा है। ठीक है, यह किसी उपग्रह में नहीं है, सिर्फ शनि में ही है। ठीक है, और इस शनि ग्रह का घनत्व तो इतना कम है कि अगर इसको बड़ा पानी का कुंड में रख दिया जाए तो यह तैरेगा। ठीक है, यह हवा का गैस का बना हुआ है यह ग्रह है। अब देखिए अगर हम बात करें कि यह जो शनि है यह सूर्य का पूरा परिक्रमा कितने दिन में करती है, तो यह लगभग 30 साल में करती है। 30 वर्ष लगाती है सूर्य का एक बार चक्कर काट लेने में। ठीक है, और अगर हम उपग्रह की बात करें कि इस शनि ग्रह के कितने उपग्रह है, माने इस ग्रह के कितने चारों ओर उपग्रह चारों ओर घूमते रहते हैं, तो कुल 61 उपग्रह है। यानी जितने भी ग्रह हैं इस सौरमंडल में आठों ग्रह में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। ठीक है, अगला है यूरेनस तथा नेपच्यून। यहाँ देखिए इस चित्र में इस सौरमंडल में सूर्य के सबसे लास्ट में कौन है? यूरेनस, और फिर उसके सबसे लास्ट में कौन है? नेपच्यून। ठीक है, इसको अरुण कहते हैं हिंदी में और नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहते हैं। ठीक, इसके बारे में लिखा है यह सौर परिवार का बाह्यतम ग्रह है, यानी सौरमंडल के सबसे दूर स्थित यह ग्रह है। कौन? यूरेनस और नेपच्यून। अगर हम बात करें परिक्रमण काल की, तो यह जो यूरेनस है यह लगभग 84 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और यह जो नेपच्यून है जो सबसे दूर है यह लगभग 166 साल लगाती है सूर्य का पूरा परिक्रमा करने में। ठीक है, और अगर उपग्रह का बात करें कि इस दोनों ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, तो देखिए यह दोनों ग्रह इतने दूर है कि अभी तक खोजा भी नहीं गया है कि कुल कितने इसके उपग्रह हैं। हमेशा नए नए इसके उपग्रह आते रहते हैं। ठीक है, तो जानना ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। अब देखिए आगे अब हमको दो चीज़ों को समझना है अगले टॉपिक में। पहला है आंतरिक ग्रह क्या है, और दूसरा है बाह्य ग्रह क्या है। इस आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को हम समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए यह आपका सौरमंडल है, आप इसको जान चुके हैं। ठीक है, बीच में कौन है? सूर्य है। ठीक है, और कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक,
तो चार ग्रह आंतरिक ग्रह है और चार ग्रह बाह्य ग्रह है। आठ ग्रह में चार को ग्रह को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, मतलब जो सूर्य के ज़्यादा नज़दीक है उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो सूर्य से ज़्यादा दूरी पर है उसको बाह्य ग्रह कहते हैं। यानी देखिए, सूर्य से एक दो तीन चार, यानी बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, यह जो चारों ग्रह है, अगर आप यहाँ पर इसको रेखा खींचते, ठीक है, तो यह चारों ग्रह को हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक, अच्छा, इस रेखा के बाहर का जो ग्रह है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इस चारों ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। तो आप समझ गए, एकदम आसान है। सौर परिवार के प्रथम चार ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य चारों ग्रह की तुलना में क्या है, सूर्य के अत्यंत निकट है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए बाह्य ग्रह क्या है। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में सूर्य से अधिक दूर पर स्थित है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक, तो आंतरिक ग्रह क्या है समझ गए आप, बाह्य ग्रह क्या है आप समझ गए। अब हम समझते हैं सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य, मतलब अभी तक तो आपने यह जाना कि इस सौर मंडल में एक सूर्य है और पूरे कुल मिला के आठ ग्रह है, और ग्रहों के कुछ, किसी के कम किसी के ज़्यादा क्या है, उपग्रह है, अभी तक तो आपने यही जाना। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है इस सौर मंडल में, उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों में सबसे पहला जो सदस्य है वह क्या है, क्षुद्र ग्रह। यह क्षुद्र ग्रह क्या है, इसको आप जान लीजिए अच्छे से। तो देखिए, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी अंतराल है, इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको आप चित्र में समझिए क्या है, यह आपका सौर मंडल है। ठीक है, और इस सौर मंडल में जो आंतरिक ग्रह है, मतलब मंगल के अंदर वाला, और फिर यह जो बाह्य ग्रह है यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, नेपच्यून, यूरेनस, है ना, तो इस आंतरिक और बाह्य ग्रह के बीच का जो जगह है, यह जो खाली जगह है, यह क्षुद्र ग्रह से भरा हुआ है। ठीक है, यह बहुत सारे क्षुद्र ग्रह इसमें भरे हुए हैं इसके रास्ते में, इसलिए देखिए यहाँ पर यह ज़्यादा जगह बचा हुआ है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो यह मंगल और बृहस्पति की जो कक्षा है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता रहता है, उस तरह यह क्षुद्र ग्रह भी जो है वह क्या होते हैं, इस सूर्य के चारों ओर हमेशा घूमते रहते हैं। अगला है देखिए टॉपिक, धूमकेतु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमेट। ठीक है, धूमकेतु भी सौर परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, ये अत्यंत परवलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह जो धूमकेतु है, यह भी सूर्य का क्या करता है, चारों ओर घूमता है, लेकिन चूंकि यह ग्रह के अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है ना, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और इसमें पूंछ होता है। ठीक है, आमतौर पर धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछों वाले होते हैं। धूमकेतु कैसा होता है, चमकीले सिर और लंबी पूंछों वाले होते हैं। ठीक है, जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप आता है, इसकी पूंछ आकार में, ये आकार जो है होता है वह क्या होता है, बढ़ती जाती है। ठीक, किसी धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से परे होती है। यानी देखिए यहाँ पे सूर्य है, धूमकेतु जो है इसका जो पूंछ है वह सूर्य के उल्टा होगा, या धूमकेतु है यहाँ सूर्य के उल्टा होगा। ठीक, अच्छा, इस यह जो धूमकेतु है, इसको इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं। तो ज़्यादा धूमकेतु नहीं है, हेली कॉमेट है ना, देखिए हेली एक धूमकेतु है, इसका नाम है हेली। ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 साल के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। क्या नाम है इसका, हेली। पिछला बार 1986 में दिखाई पड़ा था। ठीक, तो अब कब दिखाई देगा, अब फिर 1986 के 76 वर्ष के बाद दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसको आप रात में आसमान में देख सकते हैं, है ना, अचानक से देखिएगा पीछे बहुत सारा, उसमें आगे चमकीला होता है और पीछे उसका पूंछ के जैसा होता है, एकदम स्पीड में भागता है, उसी को हम धूमकेतु कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक है आपका, उल्काएँ या उल्का पिंड। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेट्रोइड्स। ठीक है, आप रात में जब छत पे आसमान में जब देखते होइएगा, बहुत सारा तारा जो होता है ना, तो उस तारा में देखिएगा बहुत सारा टूटता हुआ तारा होता है ना। कुछ तारा को देखिएगा आप, जो फिक्स है जहाँ पे है वहीं पे है, लेकिन किसी किसी तारा को देखिएगा आपको ऐसा लगे जैसे कि वह तारा टूट गया है, और वह तारा जो है वह चलते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह वह चलते रहता है। ठीक, असल में वह तारा नहीं होता है, वह उल्का होता है। ठीक है, उल्का पिंड उसको कहते हैं। ठीक, यह जो है, यह छोटा पिंड, यह समानता बहुत छोटा पिंड होता है, अति तीव्र गति से यह कहाँ होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता रहता है।
ठीक है, वह पृथ्वी के वायु वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण क्या होता है, उसमें आग लग जाता है और वह जलने लगता है, इसीलिए वह हमको तारा के जैसा जलता हुआ दिखाई पड़ता है। टूटा हुआ तारा जो होता है वह असल में टूटा हुआ तारा नहीं, बल्कि वह क्या होता है, उल्का पिंड होता है। ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से उसमें घर्षण के कारण क्या होता है, उसमें ये आग लग जाता है जिस कारण हमको ये चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए उल्का पिंड या मेट्रॉइड्स क्या है। अगला आपका टॉपिक है कृत्रिम उपग्रह, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैटेलाइट। ठीक, आपको पता है कि पृथ्वी के कक्षा में चंद्रमा जो है वह चारों ओर पृथ्वी के घूमते रहता है। ठीक, तो चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, हम लोग भी मानव भी क्या किया है, बहुत सारा उपग्रह पृथ्वी के कक्षा में भेज दिया है जो पृथ्वी के चारों ओर गोल 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 हमेशा घूमते रहता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक, मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ठीक है, यहाँ आगे देखिए, आर्यभट्ट जो है, यही है आर्यभट्ट। ठीक है, यह भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, 1975 के आसपास में इसको छोड़ा गया था। ठीक, यही आर्यभट्ट, यह भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है, मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह है। ठीक, अच्छा, और भी बहुत सारे उपग्रह हैं, जैसे ये इनसेट है, IRS है, कल्पना है, EDUSAT है। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, तो देखिए, मौसम का भविष्यवाणी जानने के लिए। ठीक है, कब कहाँ सुनामी आने वाला है, कब कब आंधी आने वाला है, कब बारिश आने वाला है, ये सब हम पहले ही पता कर लेते हैं, तो वह हम उपग्रह के द्वारा ही पता कर पाते हैं। ठीक है, आप जो रेडियो सुनते हैं या फिर टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल से बात करते हैं, है ना, यह सब किस, या फिर इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, यह सब किसके कारण हो पाता है, यह सब ये सैटेलाइट के कारण ही हो पाता है, कृत्रिम उपग्रह के कारण ही हो पाता है। ठीक है, तो यही था आपके इस अध्याय में, आपने इसको अच्छे से समझा पढ़ा। अब आगे हम चलते हैं इसके ये अभ्यास प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो देखिए, पहला जो प्रश्न है इसमें यह है रिक्त स्थानों को भर, इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है, इसको हम भर दिए हैं आपको समझाने के लिए। पहला है, शूटिंग स्टार वास्तव में तारे नहीं हैं। शूटिंग स्टार जो धूमकेतु होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि वह तारा है, लेकिन वह तारा नहीं होता है। ठीक है, वह क्या होता है, धूमकेतु होता है। ठीक, अगला है, तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है उसको क्या कहते हैं, हम तारामंडल कहते हैं। ठीक, अगला है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है, नेपच्यून है, और सबसे पास वाला है बुध। ठीक, आपका पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। अगला है, वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह क्या है, मंगल है। ठीक है, इस मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, क्षुद्र ग्रह जो है वह मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, यहाँ पढ़े हैं आप थोड़ी देर पहले। ठीक, देखिए, अगला प्रश्न है, दो स्तंभ ए के शब्दों का स्तंभ बी से उपयुक्त मिलान कीजिए, मतलब इन शब्दों को इसे मिलान करना है। तो पहला जो प्रश्न है वह बाह्य ग्रह, तो बाह्य ग्रह कौन कौन से आपको पता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो बाह्य ग्रह कौन होगा, शनि, यहाँ मिलान कर सकते हैं आप। आंतरिक ग्रह में आप मंगल से मिलान कर सकते हैं, पढ़े हैं आप। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। ठीक, तारामंडल सप्तऋषि है, क्या है, तारामंडल है। आर्यभट्ट जो है वह एक कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, आर्यभट्ट क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, इस तरह से आप मिलान कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है, तीन नंबर, सौर परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह का नाम लिखिए। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बुध है। ठीक, और सबसे छोटा ग्रह कौन है बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। आप तो पढ़ेंगे पीछे। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। अगला प्रश्न है, चार नंबर, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, चार नंबर प्रश्न का। असल में हमारा पृथ्वी ही घूमते रहता है और हमको लगता है क्या कि तारा गति कर रहा है या सूर्य गति कर रहा है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हमारा पृथ्वी ही घूम रहा होता है। बस वाला जो उदाहरण आप पढ़े हैं वही है। चलिए आगे है, अगला नंबर, पाँच नंबर प्रश्न, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, आप जानते ही हैं। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी होता है। अच्छा, कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसको उत्तर में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं कि एक साल में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप इसको लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, छः नंबर, ग्रहों के परिक्रमा का आलेख खींचिए जिसमें सूर्य के चारों
और परिक्रमा करते ग्रहों का एक ग्रहों को दर्शाया गया हो। ठीक है, तो इस 6 नंबर के प्रश्न के उत्तर में आप इस चित्र को बना सकते हैं। देखिए, इस चित्र से आपको हम बहुत सारा चीज़ समझाए हैं। यह चित्र है कहाँ, पता है कहाँ से हम लिए हैं यह चित्र? देखिए, यह हमारी दुनिया क्लास 6 का किताब का यह ऊपर वाला, ये क्या कहते हैं इसको, कवर फोटो है। ठीक है, यहीं से आपको हम पढ़ा रहे थे। ठीक, तो आप इस चित्र को आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं, बना सकते हैं इसको अच्छे से। सबसे बीच में सूर्य बना दीजिएगा, फिर गोल 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 बना दीजिएगा, फिर बुध है पहला, दूसरा शुक्र, सबका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, हो गया इसका आंसर। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे आपका यह अभ्यास प्रश्न भी खत्म हुआ। आपने इस अभ्यास प्रश्न के सभी प्रश्नों को अच्छे से हल किया। इस अध्याय को भी आपने अच्छे से पढ़ा, इसके एक एक तथ्यों को आपने अच्छे से समझा। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब वीडियो लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए कृपया सब्सक्राइब कर लें और अब अपना पढ़ाई जारी रखें। जल्दी अगले वीडियो, अगले अध्याय के साथ आपके साथ इसी तरह वीडियो के माध्यम से उपस्थित रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।